जम्मू कश्मीर में 30 साल बाद अब लोग फिर से सिनेमा का लुत्फ उठा सकेंगे। वादी में एक बार फिर से सिनेमाई रौनक लौटनी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने इतवार को कश्मीर में दो सिनेमा हॉल्स का इफ्तिताह किया, जिसमें से एक शोपिया में है और एक पुलवामा में। एलजी मनोज सिन्हा ने आज के दिन को तारीखी करार दिया। हालात बिल्कुल सामान्य है। मिशन यूथ के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के हर जिले में मल्टीपर्पज सिनेमा हॉल बनाने का फैसला हुआ था। आज उसमें से दो, एक पुलवामा एक सुपैया की जनता को समर्पित किया गया है। आने वाले दिनों में हर जिले में ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि नौजवान इसका लाभ उठा सके। वादी कश्मीर में फिर से सिनेमाई एंटरटेनमेंट जादू मल्टीप्लेक्स ग्रुप लेकर आया है। इसी ग्रुप ने यहां पर मल्टीप्लेक्स खोला है। जादू ग्रुप सरकार की मदद से यहां मल्टीप्लेक्स खोल रहा है। आने वाले महीनों में आदमपुर, खटुआ और बधरवा में कुछ और थिएटर्स आ सकते हैं। कंपनी 25 मल्टीप्लेक्स कश्मीर में खोलने की तैयारी कर रही है। दरअसल 80 और 90 की दहाई की शुरुआत में जब वादी में दहशतगर्दों ने उत्पात मचाया तो यहाँ के सिनेमा घर बंद हो गए। तब कश्मीर में 15 सिनेमा हॉल थे जो दहशतगर्दों के हमले के बाद बंद हो गए थे। 2000 के आसपास इन्हें फिर से खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन शिद्दत पसंदों के हमले की वजह से बंद करने पड़ गए, जिसके बाद इस इलाके के लोगों को फिल्म देखने के लिए 4 से 6 घंटे का सफर तय करना पड़ता था। आपने शायद यहाँ पे बोर्ड हमने जो लगाया है, ये सिनेमा प्लस कल्चरल हब है। खाली इसमें गलत फहमी लोग रहे हैं कि ये सिनेमा हॉल खुला, सिनेमा हॉल भी है ये, मगर ये सेंटर में स्पेशली जो स्टूडेंट है, जो रूरल इलाकों में स्टूडेंट रहते हैं, उनकी नॉलेज के यहाँ पे वो पिक्चरें दर्शाई जाएगी जो हम बंगलोर से जो टेक्नोलॉजी है, जो मुंबई में टेक्नोलॉजी, जो अलग अलग डेवलप्ड कंट्रियों में गए तो सेटेलाइटों में यहाँ के रूरल इलाकों में दिखाई जाएगी। एक वक्त था जब बड़े बड़े फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में हुआ करती थी। कश्मीर शूटिंग के लिए बॉलीवुड की पहली पसंद हुआ करता था और उसी कश्मीर में लोगों को सिनेमा देखने के लिए 30 सालों का लंबा इंतजार करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।